वेलकम टू ऑल माई वंडरफुल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप फाइन होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड की चिक्की। हाँ जी हाँ, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड चिक्की है। शायद आपने लोनावला में इसे खाया होगा, लेकिन ये उससे थोड़ी अलग है। बहुत टेस्टी बनती है, विंटर के लिए बहुत ही अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके बच्चे इसे फट से एक दिन में खा जाएंगे, क्योंकि इसमें इनका फेवरेट फ्लेवर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डला हुआ है। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आज आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ नहीं भूलें। चिक्की बनाने के लिए मैंने ली हुई है मूंगफली। ये रोस्टेड मूंगफली है जो बाज़ार में बहुत ही इजीली मिल जाती है। ये तकरीबन मैंने आधा कप ली है। तो रोस्टेड, अगर आपके पास मूंगफली नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी मूंगफली को ज़रा सा तेल डाल के रोस्ट कर सकते हैं उस स्टेज तक जब तक कि ये छिलका छोड़ना स्टार्ट ना कर दे। तो अब मैं इस मूंगफली को अच्छे से साफ़ कर दूंगी, छिलके और इसके बीच के जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो निकाल दूंगी। ये देखिए साफ हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से साफ करना है। कुछ छोटे छोटे दाने हैं, छिलके बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। और फिर इसे पीस लेना है मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप इसे मिक्सी में दरदरा पीस रहे हैं, ना कि बिल्कुल पाउडर। थोड़ा दरदरा पीसेंगे तो आपकी चिक्की खाने में टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन लगेगी। पाउडर से उतना टेस्ट नहीं आता और मूंगफली के जो वाइट दाने दिखेंगे चिक्की में वो उसे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देते हैं। तो सबसे पहले चिक्की बनाने के लिए मैंने ली हुई है कढ़ाई और प्लेट भी ग्रीस करके रख दी है, क्योंकि जो ही चिक्की बन जाती है तो हम उसे कढ़ाई में रख नहीं सकते, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म होती है और वो जो चिक्की का बैटर टाइप बन जाता है वो गर्म कढ़ाई में जल जाता है, उसका कलर डार्क हो जाता है। तो इसकी वजह से पहले से ही मैंने प्लेट को ग्रीस करके रखा है। तो अब मैं चिक्की मेरी सॉफ्ट बननी चाहिए इसके लिए मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच घी का, और जो कप मैंने लिया था मूंगफली का वही कप मैं यूज़ करूँगी शक्कर के लिए। यानी कि रेशियो ये होना चाहिए कि 1:1 मूंगफली जितनी आप ले रहे हैं उतनी ही आपको शक्कर लेनी है। अगर मैं इसमें गुड़ यूज़ करती तो चिक्की का कलर बहुत ज़्यादा डार्क लगता, स्ट्रॉबेरी नहीं लगता, इसलिए मैंने इसे शक्कर में बनाया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कलर, ये है स्ट्रॉबेरी कलर, पाउडर्ड कलर है। तो ये तकरीबन मैंने 1/4 टीस्पून डाला है और मैं इसे चलाना स्टार्ट कर रही हूँ। चिक्की बनाते वक्त आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आप जब कढ़ाई में इसे शक्कर को चला रहे हैं तो आप एक भी मिनट अपना स्पैचुला वहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्पैचुला निकालते हैं तो होता यह है कि नीचे वाली जो चीनी है वो पिघलने लगती है और ऊपर वाली गांठें बनने लगती है। तो इसे चलाते रहना है कंटिन्यूसली ताकि ऊपर की नीचे होती रहे और बहुत ही प्रॉपरली पिघलती रहे। तो अब मैं पकड़ की मदद से इसे पकड़ के बहुत ही अच्छे से चलाती रहूँगी, थोड़ा सा प्रेस करती रहूँगी ताकि इसकी गांठें भी टूटती रहें और ये नीचे से बहुत ही प्रॉपरली पिघलती रहे। अब आप देख रहे होंगे कि इसका ये जो कलर है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आ गया है, परफेक्ट स्ट्रॉबेरी कलर आ गया है। तो इसे सिर्फ स्ट्रॉबेरी कलर नहीं देना है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी देना है। वो कैसे देना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये शक्कर हमारी लगभग पिघलने को आई है, यानी कि इसका बहुत ही अच्छा लिक्विड फॉर्म बन गया है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेरी मूंगफली। लेकिन इसके पहले आपको इस बात का 100% ध्यान रखना है कि शक्कर मेल्ट होने के बाद आप गैस बंद कर देते हैं, गैस चालू में नहीं डालते हैं, क्योंकि इसका जलने का प्रोसीजर इतना फास्ट हो जाता है कि ये फटाफट से नीचे जलने लगता है। गैस बंद करके मैं पूरा इंग्रेडिएंट्स जो मेरे सारे हैं अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो अब इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर स्ट्रॉबेरी का देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 2-3 ड्रॉप स्ट्रॉबेरी एसेंस के। ये है स्ट्रॉबेरी एसेंस जो कि मैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स डाल रही हूँ। स्ट्रॉबेरी एसेंस डालने के बाद इसे फटाफट से चला लेना है, बहुत ही फास्ट घुमा लेना है और फिर इसे निकाल लेना है गैस से, क्योंकि गैस का फ्लेम जो है वो अभी भी हीट छोड़ रहा होता है और कढ़ाई पहले से गर्म होती है। तो अब मैंने प्री ग्रीस्ड प्लेट में इसे पोर कर दिया है और फिर मैं इसे थोड़ा सा एक वटी की मदद से स्प्रेड करने की कोशिश करूंगी। ये थोड़ा सा ही स्प्रेड करना है क्योंकि बाद में हम इसे हाथ से भी स्प्रेड करने की कोशिश करने वाले हैं। तो अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़ी सी चीज़ें जिससे कि ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे और ज़्यादा हेल्दी भी बने। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर देती हूँ, क्योंकि तिल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं विंटर्स में खाने के लिए। तो ये थोड़े से तिल, अगर आप चिक्की
और ज़्यादा फ्लेवर्स की बनाना चाहते हैं तो एक और चिक्की मैंने बनाई थी, नारियल के फ्लेवर की चिक्की, वो भी बिना शक्कर के। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर चेक करें। और एक लिंक दिया हुआ है ड्राई फ्रूट चिक्की का, जो बहुत ही बेहतरीन बनती है, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेक कर लें। इसके बाद मैंने ऐड करी है इसमें खसखस, और मैं बहुत ही अच्छे से इसे प्रेस कर रही हूँ ताकि ये खसखस जो है और ये जो तिल है ये बहुत ही प्रॉपरली इसके ऊपर चिपक जाए। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर और ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के हिसाब से, काजू, पिस्ता, बादाम, जो भी चाहें स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़े से बादाम स्प्रिंकल करके रखे हुए हैं ताकि ये और ज़्यादा हेल्दी और ब्यूटीफुल लगे सर्व करने के लिए। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बादाम डालने के बाद हाथ लगा के प्रेस कर लेती हूँ ताकि बादाम भी बहुत ही अच्छे से चिक्की के ऊपर चिपक जाए। और फिर अब मैं इस चिक्की को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगी कि एक नाइफ या तो फिर पिज़्ज़ा कटर लेके इसे एक अच्छे से शेप में ऊपर से ज़रा सा मार्क कर दूंगी ताकि जब ये ठंडी हो जाए तो मुझे इसे तोड़ने में तकलीफ नहीं हो। इसे मैं ट्रायंगुलर शेप दे रही हूँ क्योंकि ट्रायंगुलर शेप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और इसमें वेस्टेज नहीं होता। अगर आप चाहें तो इसे स्क्वायर का शेप भी दे सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से जो कटर्स रहते हैं कुकी कटर्स उसके भी शेप्स दे सकते हैं और फिर उसे लास्ट में काट सकते हैं। तो मैंने इसे ट्रायंगुलर शेप दिया है और फिर अब मैं इसे ठंडा करने के लिए रख दूंगी। इसे तोड़ना कैसे है इसके लिए आप वीडियो एंड तक देखते रहेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो अब ठंडी होने के बाद चिक्की इसे बहुत ही प्रॉपरली हाथ में लेना है और बैक साइड में तोड़ना है। ये देखिए बैक साइड लेना है, फ्रंट साइड में तोड़ेंगे तो प्रॉपरली टूटेगी नहीं। इसी तरह से मैं बाकी के सारे पीसेस तोड़ देती हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपकी चिक्की कैसी बनी थी। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम, अपना ध्यान रखें, बाय।